आज एक काम करना, घर के बाहर जाना, वॉक करना। और जब वॉक करोगे तो कोशिश ये करना कि तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी बॉडी पे रहे, तुम्हारी फीलिंग पे रहे, और आसपास जितने लोग हैं तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ जाए ही ना। यूजुअली क्या होता है ना, हम जब वॉक करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे आसपास लोग खड़े हैं, और हम एक अलग तरीके से वॉक करने लगते हैं या बिहेव करने लगते हैं। सबकॉन्शियस हमें ट्रेनिंग मिल जाती है कि इनडायरेक्टली हम उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ये हमें पता नहीं पड़ता है कई बार, क्योंकि ये बहुत डीपली रूटेड है पिछले, समझ लीजिए, बचपन से। इंडियन सोसाइटी कैसे कि हमें अलाउ नहीं किया जाता टू बी योर सेल्फ। वी हैव अ लॉट्स ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, क्या कहेंगे उसको, बहुत सारे तरीके हैं हमारे जीने के कि ऐसे उठना है, ऐसा बैठना है, ऐसा बिहेव करना है। तो नाउ नाउ नोबडी इज एक्सेप्टिंग अस नेचुरली लाइक हाउ वी आर। सो ये हमारे अंदर इतना डीपली रूटेड हो गया हमारे सबकॉन्शियस में कि हम इससे बाहर ही नहीं आ पाते। हम अनजाने में, हम जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ मैं कि हम अटेंशन सीक अनजाने में करते हैं। हम एक पर्टिकुलर एक हॉल में जाएंगे तो हमारा उठने बैठने का तरीका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, हम चाहें या ना चाहें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज एक्सपेरिमेंट करना, बाहर जाना और कोशिश करना कि जस्ट बी योर सेल्फ, फोकस ऑन योर बॉडी, बिहेव लाइक यू आर सिटिंग अलोन। तुम्हारा ध्यान बार बार बाहर जाएगा, दूसरों की तरफ जाएगा, पर तुम वापस लेके आना अपनी बॉडी की तरफ कि मुझे कैसा बिहेव करना है, मुझे कैसे वॉक करना है। आई विल वॉक अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ एंड नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस एनी वन। ये बहुत डिफिकल्ट होगा, पर अगर तुमने इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न बहुत सालों से अंदर रूटेड है, अगर तुमने प्रैक्टिस को ब्रेक कर दिया तो यू कैन बिकम अ ट्रू पर्सन, और फिर तुम्हारी ट्रू पर्सनैलिटी बाहर आ पाएगी। थैंक यू।